आज फिर सिवान के दुरौंदा थाना क्षेत्र के दुरौंदा रेलवे जंक्शन के बगल में उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा एक ट्रक पर लदे भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रक में लगभग 40 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है और ये सभी शराब हरियाणा निर्मित है। उत्पाद विभाग के अधिकारियों की माने तो गुप्त सूचना के बाद वाहन जांच लगाई गई। जांच में सूचना के अनुसार उसी ट्रक को रोका गया जिस पर चोकर के बोरे लदे हुए थे। उत्पाद विभाग की टीम ने इसको चेक किया, लेकिन जब ट्रक को विस्तार से चेक किया गया तो ट्रक में एक गुप्त नुमा केबिन बनाया गया था जिसमें शराब दिखाई दी। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रक के नंबर प्लेट भी फर्जी पाए गए हैं। जांच के दौरान ट्रक में 3 नंबर प्लेट पाया गया जो अलग अलग राज्यों का नंबर प्लेट था, जिसको अलग अलग क्षेत्रों में प्रवेश करने के पहले ही चेंज कर दिया जाता था ताकि पुलिस को शक न हो कि हरियाणा से शराब को बिहार लाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर ट्रक ड्राइवर के मोबाइल फोन के जरिए तस्कर तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। उत्पाद विभाग सिवान को कल गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक में कुछ शराब छुपा कर लाया जा रहा है। तो दरौंदा में रेलवे स्टेशन के पास चेकिंग किया गया। चेकिंग में छपरा नंबर का एक ट्रक पकड़ाया जिसका नंबर प्लेट छपरा का लगा हुआ है, लेकिन ओरिजिनल नंबर ये हरियाणा का है। इसमें ऊपर से 50 बोरा चोकर रखा गया था। इसके अंदर गुप्त चैम्बर बना के लगभग 40 कार्टून विदेशी शराब हरियाणा से लाया जा रहा था। क्या मालूम चला सर, कहाँ किसका है, सिवान में माल किसके लिए लाया जा? मोबाइल जब्त कर लिया गया है ड्राइवर का। ड्राइवर की गिरफ्तारी भी है, उसको प्रिंट आउट निकाल के उसके बारे में सही मालिक का जानकारी लिया जा रहा है।